नमस्कार बच्चों, हम क्लास फोर में पढ़ेंगे हिंदी वाटिका। और हिंदी वाटिका में हमारा पाठ है पाठ तीन, मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई। तो आप लोग पढ़ने से पहले तो बुक को रीड करके अवश्य रेडी रहेंगे। रीड करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने लिखने से ही बच्चों को मतलब इसका मात्राओं का ज्ञान होता है। ठीक है, हम लोग क्लास में बच्चों को रीड करवाते थे और रीड करना बहुत ज़रूरी है। रीड करना सभी बच्चों को आएगा तभी आप लोग प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे और कहानी को पढ़कर सब प्रश्नों का हल कर सकते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई के बारे में। इसमें बताया गया है 17 गधे थे, तो 17 गधों को 3 किसानों में बांटना था। तो मुल्ला नसरुद्दीन इस समस्या का हल आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं इस पार्ट में। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठे बाजार जा रहे थे। गधे पर बैठ के, उनके पास गधा था, उसमें बैठकर मुल्ला नसरुद्दीन बाजार जा रहे थे। बाजार में उन्होंने देखा 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि 3 किसान आपस में झगड़ रहे हैं। उन्हें देख मुल्ला नसरुद्दीन वहीं रुक गए। तो उसको देखकर मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ रुक गए, खड़े हो गए। वहाँ खड़े होकर वे उनके झगड़े के कारण को जानने की कोशिश की, क्यों झगड़ा हो रहे हो करके। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई कोई कभी कभी कहीं कहीं पर जैसे क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हैं करके ऐसा रुक जाते हैं। उसी प्रकार से मुल्ला नसरुद्दीन भी रुक गए और क्यों लड़ रहे हो ऐसा करके पूछे। ठीक है, तीनों किसानों को थोड़ी देर में किसानों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने झगड़े के निपटारे के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। गांव में मतलब ग्राम पंचायत में होता है ना सरपंच, ग्राम प्रधान, तो उनके पास जाना पड़ा। किसानों ने गांव के प्रधान को बताया कि वे तीनों किसान मित्र हैं और वो तीनों मिलकर व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। तीनों किसानों ने मिलकर एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे थे। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी रकम दी थी, दूसरे किसान ने कुल कीमत का 1/3 तथा तीसरे किसान ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गधों का बंटवारा कैसे किया जाए। ठीक है, अब सबके पैसे तो बराबर नहीं थे, सब ने अलग अलग रकम दिया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब गधों को 17 गधे हैं और 3 किसान हैं तो उनको कैसे बांटा जाए। तो वहाँ पर चलिए देखते हैं आगे। गांव के प्रधान ने बहुत हिसाब किताब लगाया, उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई हल ना निकाल पाए। गांव के किसान के पास गए, ज़्यादा मतलब उनका झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर उसके बाद उनके पास कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। मुल्ला नसरुद्दीन ने ग्राम प्रधान से कहा, क्या मैं इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ? ग्राम प्रधान ने खुशी खुशी ऐसा करने की स्वीकृति दे दी मुल्ला नसरुद्दीन को। चलो आप से अगर सुलझ जाता है तो आप ही सुलझा दीजिए, ठीक है, जैसे भी करके इनका झगड़ा तो निपटे, है ना, मतलब खत्म हो जाए और इन लोग का मतलब समस्या का समाधान हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। तीनों किसानों को पूछा उन्होंने कि वे क्या चाहते हैं। वे बोले, हम अपने गधों को इस तरह बांटना चाहते हैं कि हम सबको उतने गधे मिले जितने गधों की कीमत हमने दी है। अब 17 गधे थे, 3 किसान थे और सबकी कीमत अलग अलग थी, तो किसको कितना गधा आएगा ये उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को बता दिया। अब कितना आएगा ये तो नहीं, मतलब कीमत के अनुसार में हमको मिल जाना चाहिए। मामला दिलचस्प था, दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान सहित उन सबको वहां चलने के लिए कहा जहां गधे खड़े थे। ग्राम प्रधान सहित किसान और सभी देखने वाले वहां पहुंच गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे गिने, वे संख्या में 17 थे। ठीक है, गधों की संख्या 17 थी और किसान कितने थे, 3 थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया। अब गधों की संख्या 18 हो गई, है ना। तो 4-4 गधे करोगे तो, है ना, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, है ना, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 25, मतलब 3 किसान हैं और 17 गधे थे। तो क्या किया मुल्ला नसरुद्दीन ने, अपना भी गधा वहां पर खड़ा कर दिया। ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को बुलाया और पूछा, अच्छा बताओ तुमने कितने रुपए दिए थे। बोला व्यापारी ने, हमसे जितने रुपए मांगे थे मैंने उसके आधे रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें आधे गधे मिलने चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने 18 गधों के
आधे नौ गधे पहले किसान को दे दिए, ठीक है, जितने गधे थे उसका आधा कीमत दिया था, तब तो उसको आधा मिलना चाहिए, है ना। अब उसने दूसरे किसान को बुलाया, उसने पूछा तुम व्यापारी को कितने रुपए दिए थे, उसने कहा मैंने व्यापारी को कुल कीमत के एक तिहाई रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। वैसा करके हिस्सा अपना अलग अलग निकाल दिया, मतलब किसानों का 18 का तीसरा हिस्सा हुआ 6। मुल्ला नसरुद्दीन ने 6 गधे दूसरे किसान को दे दिए। लोग विस्मय से बोला से मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे थे, विस्मय मतलब एकदम हैरानी से, ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीसरे किसान से पूछा तो उसने कहा मैंने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था, मतलब जितना कीमत है गधे का उसका 9वां हिस्सा दिया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए। अठारह का 9वां हिस्सा हुआ 2। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसान को 2 गधे दे दिए, किसान अपने 2 गधे लेकर खुश हो गए। अब एक गधा रह गया, वह गधा मुल्ला नसरुद्दीन का था, है ना, उनका था ना, 17 गधे में एक कर दिया मुल्ला नसरुद्दीन, अपना तो 18 हो रहा था, है ना, तो एक जो बचा हो तो मुल्ला नसरुद्दीन का ही हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा लिया और उस पर बड़ी शान से बैठकर बाजार की ओर चल दिए। ग्राम प्रधान सहित सभी लोग दांतों तले उंगली दबाए खड़े थे और मुल्ला नसरुद्दीन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। भूरी भूरी प्रशंसा मतलब बहुत अधिक तारीफ करना, ठीक है। तो इसमें शब्दार्थ दिया है, आप लोग शब्दार्थ को पहले लिखेंगे कॉपी में, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो पाठ में मौखिक प्रश्न उत्तर भी दिया हुआ है। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ जा रहे थे, है ना, किसानों ने कितने गधे खरीदे थे, तो मुल्ला नसरुद्दीन बाजार जा रहे थे, किसानों ने 17 गधे खरीदे थे, मुल्ला नसरुद्दीन सबको कहाँ ले गए, तो मुल्ला नसरुद्दीन सबको जहाँ पर गधा था वहाँ पर ले गए। भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही थी, तो गधे की मतलब गधे के कारण की तीनों किसानों की लड़ाई हो रही थी, है ना। अंत में कितने गधे बचे, एक गधा बचा, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उसमें डाल दिया था, है ना, 17 गधे में अपना भी एक ठोको। तो किसानों को अपने झगड़े के निपटारे के लिए कहाँ जाना पड़ा, तो ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। ऐसा ऐसा करके आप लोग भी पढ़ेंगे ना तो जरूर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। उत्तर लिखे, मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ रुक गए, तो बाजार जा रहे थे तो रास्ते में रुक गए, है ना, इसमें पाठ में दिया हुआ है पूरा अच्छे से। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे, बाजार में उन्होंने देखा तीन किसान आपस में झगड़ रहे थे, उन्हें देख मुल्ला नसरुद्दीन वहीं रुक गए, बाजार में रुक गए जहाँ झगड़ा हो रहा था। अपने झगड़े के निपटारे के लिए किसान किसके पास गए, तो किसके पास गए, ग्राम प्रधान के पास गए, है ना। किसानों ने गांव के प्रधान को क्या समस्या बताई, तो किसानों ने गांव के प्रधान को गधे के हिस्से के बारे में बताया, है ना। किसान क्या चाहते थे, तो किसान अपने गधे का बंटवारा चाहते थे, जिस हिसाब से पैसे दिए थे, है ना, उस हिसाब से उनको गधा चाहिए था। गधों की संख्या 18 कैसे हो गई, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना एक गधा डाला था, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा, आप लोग भी पढ़ेंगे और समझेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो समझ में नहीं आएगा आप लोग मेरे को ऑनलाइन क्लास में पूछेंगे, है ना। थैंक यू।